हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉल्केनो के बारे में। वॉल्केनो के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम? पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस, दो फोर्सेज होती हैं जो अर्थ पे जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं शेप देती है, लैंडफॉर्म्स बनाती है और बिगाड़ती है। तो अब वॉल्केनो जो है वो एक एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है। एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल कैसे है? क्योंकि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो जो फोर्सेज हैं, जो लावा निकलेगा बाहर, वो कहां से मिलेगा? वो आपको अर्थ के अंदर से, इंटीरियर से ही मिल रहा है ना। और हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में एंडोजेनिक फोर्सेस की, कि वो सारी फोर्सेस विच आर एक्टिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर से काम कर रही है, वो एंडोजेनिक फोर्सेज होती है। अब वॉल्केनो जो है तो एंडोजेनिक फोर्स में भी एक सडन फोर्स का एग्जाम्पल है कि अचानक से बदलाव आ जाना। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में वॉल्केनो को समझने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉल्केनो का मतलब होता क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं आपको डिटेल्ड वे में वॉल्केनो समझाता हूं। देखो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज वॉल्केनो? तो वॉल्केनो का हिंदी में मतलब होता है ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी सुनते से ही क्या होता है, ज्वालामुखी सुनते से ही हम लोगों के मन में यह पिक्चर आती है कि इस तरह से कोई हिंदी मूवी का एक विलन होगा, कोई भूत जो आते थे पहले हिंदी मूवी में, वो तो ये वो नहीं है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी का मतलब हिंदी शब्द होता है वॉल्केनो के लिए। क्लियर, तो ज्वालामुखी हो गया हमारा। अब अगर हम देखें तो ज्वालामुखी होता क्या है, अ वॉल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। मॉल्टन मटेरियल में आप मॉल्टन मैग्मा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझिएगा इसे पूरी डेफिनेशन को, अगर अच्छे से ब्रेक करते हैं तो डेफिनेशन को ब्रेक करके आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। उसके पहले डायग्राम दिखाता हूं मैं। जैसे ये जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ जमीन है, तो जमीन के ऊपर एक क्या होती है, एक वेंट होती है, एक क्रेटर होती है। ठीक है, क्रेटर क्या होता है, क्रेटर मतलब जो मुंह रहता है ना, जहां से बाहर आएगा मैग्मा, वो तो वेंट ऑन दी अर्थ क्रस्ट। अब ये पूरी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो एक वेंट होती है, एक पाइप है ये, एक तरह से पाइप होती है, तो जो पूरी वेंट होती है, इस वेंट से क्या आता है, इस वेंट से अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। मॉल्टन मटेरियल मतलब ये मैग्मा। ठीक है, ये मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा क्या होता है, जो उबलता हुआ, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो लावा रहता है एक तरह से, बाहर आएगा तब उसे लावा बोलेंगे, लेकिन जब तक वो अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहा जाता है। ठीक, तो अब देखो क्या है, ये मैग्मा चैम्बर है पूरा अर्थ क्रस्ट के नीचे, जो मेंटल होता है ना, मेंटल में इस तरह से मैग्मा होता है। अब ये मैग्मा क्या है, ये बॉइल कर रहा है, उबल रहा है। ठीक, अब ये मैग्मा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर आता है मैग्मा चैम्बर में से, तो ऊपर आने के बाद में ये इस तरह से यहां बाहर लावा फ्लो होने लगता है। ठीक है, ये बाहर लावा फ्लो हो रहा है, तो ये अच्छा, बाहर लावा फ्लो होने के बाद में जो रॉक बनेगी वो कौन सी रॉक बनेगी, आप एक कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये वाली रॉक कौन सी बनेगी। ठीक है, और ये वाली रॉक कौन सी बनेगी, जो अंदर क्रैक्स में घुस गई और फिर यहीं पे कूल डाउन होने के बाद में लावा कौन सी रॉक बनाएगा। ये दोनों रॉक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, क्योंकि हमने पढ़ा है ये स्टार्टिंग में। ठीक, अब देखो क्या, तो इस तरह से क्या होता है कि ये वेंट से जब मॉल्टन मैग्मा बाहर आता है, ये बाहर आ गया, ये लावा आउटफ्लो हो रहा है बाहर, तो ये पूरा वॉल्केनो का प्रोसेस होता है। उस बीच में देखो क्लाउड भी निकलते हैं वॉल्केनिक ऐश के, उसके बाद में क्या होता है कि ऐश जो रहती है तो धुआं भी निकलता है ना, धुआं बारूद, ये बारूद सॉरी धुआं राख, ये सारी चीजें निकलती हैं, तो ऐश भी निकलती है। ये सारा सब कुछ हो गया, तो अब डेफिनेशन पे जाते हैं। वॉल्केनो इज अ वेंट, ठीक है, वेंट होती है, ये वेंट है यहां पे, फिर उसके बाद में ओपनिंग, वेंट को ओपनिंग कहा है, इन द अर्थ क्रस्ट, पूरा अर्थ है उसके ऊपर पे है ये अर्थ क्रस्ट, थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। मॉल्टन मैग्मा है वो बाहर सडनली इरप्ट हो जाता है। ठीक है, हाउ डज इट कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अब ये सर्फेस ऑफ अर्थ पे वॉल्केनो हमने समझ लिया, वॉल्केनो क्या होता है, किस तरह से काम करता है वो समझ लिया। सवाल ये आता है कि वॉल्केनो मास डिस्ट्रक्शन कैसे कॉज करता है, मतलब हाउ इट इज कॉजिंग मास डिस्ट्रक्शन ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। अर्थ के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, वॉल्केनो फूट रहे हैं, फूटने दो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस तरह से आग लग जाती है। ये देखो, अब ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में जो फैलते चले गए लावा, तो ये लावा जब फैलते जाएगा तो ऐसा नहीं कि लोग इसमें नहाने आ जाएंगे या फिर बहुत मजा आएगा लोगों को लावा देख के, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा इससे, आगे आग लग जाएगी, फॉरेस्ट फायर हो जाती है। जो लोग वॉल्केनो के आसपास रह रहे हैं उनके, उन्हें हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं हम जल ना जाएं, हमारे घर ना जल जाएं, तो बहुत सारी समस्याएं रहती है। तो वॉल्केनो क्या है, एक कैटास्ट्रोफिक एक्टिविटी है जिसके चलते लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लकीली वी आर नॉट हैविंग एनी एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में हमारा कोई एक्टिव वॉल्केनो, अंडमान निकोबार आइलैंड जो इंडिया के ही है
वहां पे एक वॉल्केनो है लेकिन वो भी डोरमेंट है, ठीक है। तो हमें अभी ऐसा चिंता की कोई जरूरत नहीं कि हमारे इंडिया में कब वॉल्केनो फूट जाए, तो हमारे यहाँ कोई वॉल्केनो नहीं। लेकिन जैसे जापान हो गया या फिर कुछ और कंट्रीज हैं, तो वहां पे क्या रहता है, वहां पे कंटिन्यूसली इस चीज का वो रहता है, वैसे जैसे प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि कब इरप्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या है, रिस्की होता है वॉल्केनोस के आसपास रहना, या फिर वॉल्केनो जो है तो एनवायरमेंट में भी कितना नुकसान पहुंचाते हैं, वहां का वेजिटेशन वगैरह सब कुछ जला देते हैं, वहां जो एनिमल्स रह रहे हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने किसमें पढ़ा, वॉल्केनो में। व्हाट इज वॉल्केनो, आई होप आपको क्लियर हो गया वॉल्केनो क्या है, और ज्वालामुखी का मतलब भी सही समझ में आ गया है, इस ज्वालामुखी को आप कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एंडोजेनिक फोर्स से जो चेंजेस आते हैं उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, वो क्या है, वो है अर्थक्वेक। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अर्थक्वेक को पढ़ने वाले हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है और क्या क्या चेंजेस लाता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। magnetbrains.com पर क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।